नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पशुओं में जो बहुत ही ज्यादा बीमारी जो देखने को मिलती है जिसका नाम है दस्त डायरिया, जिसे कुछ क्षेत्रों में मोक भी कहा जाता है। हमारे पशुपालक भाइयों को ये शिकायत रहती है कि हमारे पशु के एक बार तो दस्त ठीक हो जाते हैं, फिर पशु को दोबारा दस्त लग जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए दोस्तों है डिटेल से वीडियो बनाकर लाए हैं पशुओं को दस्त होता है किन कारणों से, पशु को दस्त हो जाए तो आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे और आप क्या पशु का उपचार करेंगे, जिस एक बार में ही आपको उपचार करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा पशु में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इस चैनल पर आपको दोस्तों पशुओं में होने वाली हर बीमारियों का इलाज आपको डिटेल से बताया जाएगा, पशु में क्या इलाज करें जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पशुओं में दस्त होता है किन कारणों से। यदि हम पशुओं को बहुत अधिक मात्रा में सड़ा गला चारा खिला देते हैं तो जिसके कारण भी पशु में दस्त हो जाते हैं, या हम पशु का जो चारा देते हैं वो अच्छी तरह साफ नहीं करते, उसमें मिट्टी रह जाती है, उसके कारण भी पशु में दस्त देखने को मिलते हैं। ज़्यादा समय हो गया है और आपने पशु को पेट के कीड़े मारने की आपने औषधि नहीं दी है तो उसके कारण भी पशु में दस्त देखने को मिल सकते हैं। बाहर चरने के लिए चारागाह में भेजते हैं तो पशुओं को यदि जहरीला कोई पेड़ पौधा खा लेता है उसके कारण भी पशु में दस्त देखने को मिलते हैं। छोटे बछड़ियों में भी हमें दस्त के बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। यदि पशु के ब्याने के दो या तीन दिन का जो दूध होता है जिसे हम खीस कहते हैं वो अधिक मात्रा में पशु पिला देते हैं तो उसके कारण भी छोटे बछड़े बछड़ियों में दस्त देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ एक कारण और भी है, यदि हम छोटे बछड़े बछड़ियों का समय पर हमें डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं और उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके कारण भी दस्त देखने को मिलते हैं। पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए आप हाईटेक बोलस आते हैं जो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, आप उसका उपयोग करें। इसमें आर्मेक्टिन साल्ट आता है। यदि आपका पशु बड़ा है तो आप 450 से 500 kg तक का हता पशु में पूरी एक बोलस काम में लीजिए। और यदि आपका पशु छोटे बछड़े बछड़ियों में यदि दस्त हुए हैं तो आप इसकी हाफ टैबलेट काम में ले सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें आप हाईटेक बोलस को उपयोग में न लें। इसके अलावा एक और बोलस आती है जिसका नाम है फैनकाइंड प्लस बोलस, इसकी जो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी आप उसका उपयोग करें। प्रेग्नेंट पशुओं में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अपने पशु की डीवॉर्मिंग करा दी फिर भी आपके पशु के दस्त रुक नहीं रहे हैं तो इसके अलावा एक और बोलस आती है जिसका नाम है एंटीजेड बोलस, जिसमें प्रोसेमाइड एंट्रेंडाजोल साल्ट होता है, आप उसका उपयोग करें। पशु में बड़ा पशु है तो उसमें 4 tablets उपयोग में ले सकते हैं, 2 tablets सुबह और 2 tablets शाम को आपको उपयोग में लेनी है। यदि आपके पशु को बहुत ज़्यादा लंबे समय से दस्त लग रहे हैं तो आप अमोक्सिसिलिन बोलस का उपयोग कर ले सकते हैं। अमोक्सिसिलिन बोलस को 2 सुबह बोलस काम मिले और 2 शाम को बोलस काम मिले, 2 या 3 दिन तक आप उपयोग में ले सकते हैं। इससे आपके पशु का एक बार तो दूध डाउन आएगा, फिर आपका पशु का दूध दोबारा वापस आ जाएगा। तो यदि पशु को बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया और पशु को दस्त बार बार लग रहे हैं जिसके कारण पशु की आंत होती है वो कट कट कर दस्तों के साथ बाहर आने लग जाती है, जिसे हम खूनी दस्त कहते हैं, वो होने लगा है, तो आपको एक पाउडर का नाम आप एक पाउडर उपयोग में ले सकते हैं जिसका नाम है बेलेंसोल पाउडर, जिसको 50 ग्राम सुबह आप उपयोग में लें और 50 ग्राम शाम को उपयोग में लें। इसको आप 4 से 5 दिन तक उपयोग में लेंगे तो आपको पशु के दस्तों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके पशु के दस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। यदि आपको मार्केट में बेलेंसोल पाउडर न मिले तो आप इसके अलावा एक और पाउडर उपयोग में ले सकते हैं जिसका नाम है नेबलोन पाउडर, इसको भी आपको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को उपयोग में लेना है। कम से कम 5 से 7 दिन तक आपको उपयोग में लेंगे तो आपको पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे द्वारा बताया गया ट्रीटमेंट उपयोग में लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, पशु के दस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो का यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।